खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर। दो दिन पूर्व शहर के नेहरू नगर से 5 वर्षीय बालक का अपहरण का मामला। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम मुखबिर की सूचना पर थाना मंडावरा पुलिस को एक बड़ी सफलता लगी, जिसमें ललितपुर शहर के नेहरू नगर से 2 दिन पूर्व एक नकाबपोश महिला द्वारा 5 साल के एक बच्चे का सुबह सुबह अपहरण कर लिया गया था, जिसे थाना मंडावरा अंतर्गत ग्राम रनगांव से एक होमगार्ड के घर से पुलिस ने बरामद किया, जिसे एसओजी टीम अपहृत बच्चे की लेकर शिनाख्त के लिए अपने साथ ले गई। एवं मंडावरा पुलिस इस मामले में अभियुक्तों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है तथा कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राप्त ये नकाबपोश महिला जिला अस्पताल में दाई का काम करती है तथा पैसों के लालच में अंधी होकर बच्चे को रनगांव में बेच दिया था और बताया जा रहा है कि वह अनाथालय से बच्चा लाई है। फिलहाल मामले की पूछताछ जारी है और बहुत जल्द कल इस घटना से पर्दाफाश होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक बहुत जल्द कर सकते हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।